नहीं है तो ये अपनी च्वाइस से नहीं है और सिर्फ अपने जमीर की वजह से। तो क्योंकि रहे हैं हम लोग, काम करते रहे हैं, इन्हीं सब परिस्थितियों ने हमको बाहर आने पर मजबूर किया। लेकिन ऑर्गेनाइज जहां पे है, जहां पे कैपिटल इंसेंटिव भी मौजूद है साथ साथ, वहां पर तो ये कंट्रोल कर लेते। और शायद यही दर्द है, ये दर्द है कि भाई जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको स्थापित किया जा रहा है, उनको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप के पास 16-16 चैनल, किसी ग्रुप के पास 5 चैनल, किसी के पास 6 चैनल, किसी के पास 12 चैनल। तो वहां तो एक आदमी को नियंत्रित करके या एक मीडिया समूह को नियंत्रित करके आप कर लेते हैं। यहाँ हम जैसे फकीर लोग जो हैं, उनके पास ना कुछ ऐसा है कि आप नियंत्रित कर पाएंगे और ना कुछ आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि रास्ते लेकिन क्या क्या है। अभी आपके चैनल से कुछ वीडियो डिलीट कराने का आदेश कर दिया, एक बार आपका चैनल ही बंद कराने की बात हो गई थी, कर ही दिया था। अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो पत्रकारों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा कौन? एक क्लास 2 का पुलिसमैन, जो एसीपी या डिप्टी एसपी लेवल का, ये कुछ और नहीं है, ये एक डर है, ये डर है। और ऐसा डर हमेशा ऐसी ताकतों को होता है। अगर ऐसा डर ऐसी ताकतों को नहीं होता, उत्कर्षी प्लीज मैं माफी चाहता हूँ, एक लाइन मुझे याद आ गई, वो मैं कहा आपसे क्लियरिफाई कर लूं कि आपने कहा हिमाचल प्रदेश में करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है, तो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने के लिए कुछ पत्रकार अगर जाएंगे तो क्या वो अपना सर्टिफिकेट तिहाड़ जेल से लेकर आएंगे? क्योंकि तिहाड़ से लौट प्रधानमंत्री जी ने आज तक कितने पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है? संजय भाई बतौर प्रधानमंत्री कितने पत्रकारों को इंटरव्यू दे दिया उन्होंने? प्रसून जोशी पत्रकार था कि अक्षय कुमार पत्रकार थे? या तिहाड़ी को मानेंगे पत्रकार? मैं वही कह रहा था, पत्रकारों के सवाल से ही डर है, इसीलिए कोशिश ये होती है कि पत्रकारों को बाहर करो। ये देखिए दिक्कत कहां है, मैं क्यों कह रहा हूं कि डरे हुए लोग होते हैं? डरे हुए लोग ये होते हैं कि इनके अपने जितने भी साधन हैं, सच मतलब सत्ता के साधन हो या दूसरे साधन हो, इसके बाद भी अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उन सवाल खड़े करने वालों को कैसे दूर किया जाए, कैसे उनकी एंट्री बंद की जाए? अच्छा, पत्रकारों को अगर बुलाते तो सेल्फी के लिए बुला लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाते, और वो पत्रकार भी चुन के आते हैं। भाई ये तो वो लोग हैं जो सच, कड़वा सच बोलने वाले पत्रकारों को चैनल के उद्घाटन के दिन ही चैनल से बाहर करा देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप अगर आप ये उम्मीद करेंगे, और मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, इस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, जब राष्ट्रवाद या धार्मिक उन्माद के साथ पूंजी का खेल शुरू हो जाता है, मिलके एक रसायन बन चुका होता है, तो उस रसायन के लिए सबसे खराब चीज होती है, उसका एंटीडोज जो होता है वो सच होता है। तो सच का एंटीडोज लेने के लिए तैयार कौन? कम से कम जिसने एक केमिस्ट्री बनाई, जो केमिकल बनाया है और उस केमिकल के भरोसे, उसी केमिकल को भाई सतयुग का अमृत कुछ होता था, कलयुग का अमृत कुछ है, नाम में क्या रखा है? तो ऐसी स्थिति के भीतर आप उस एंटीडोज को क्यों लेंगे? और इसीलिए ये संकट आ रहा है। सारा दिक्कत ये है कि अगर एंटीडोज लगती रहेगी तो मूल केमिकल प्रभावी नहीं हो पाएगा। कहानी यहां है, 11 सालों में मतलब हम सबने देखा है कि जिस तरह से रिपोर्टिंग जो है वो चैनलों से और अखबारों से गायब हुई है, यानी अब जो है वो घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं होती, सरकारें क्या कर रही हैं उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। अब आप चैनलों पर सिर्फ आग लगाने वाली बहसें देखते हैं, जहां पर कि आप, जैसे आपने खुद ही कहा, गरबे वाली बात कही आपने, हिंदू मुसलमान वाली बात कही, वो सारी वो उस तरह की बहसें होती हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चैनलों पर आज वो बहस चल रही है कि साहब वो एक फिल्म आ रही है, फिल्म में रावण का कैसा किरदार दिखाया गया है और हनुमान जी का कैसा वेशभूषा है, तो उस पर चर्चा चल रही है, उसके उसके नाते जो है वो पूरे देश में उस पर हंगामा मचाया जा रहा है। तो ये जो बात आपकी है, मूल रूप से मूल मसला वही है कि सोशल मीडिया को चूंकि सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है,
ये सरकार बहुत कोशिश कर रही है, शुरू से कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया को नियंत्रित किया जाए। शुरुआत में क्या हुआ था, जब बीजेपी आई थी तो अब उस वक्त सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेजेंस थी, यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और अन्य माध्यमों पर, व्हाट्सएप वगैरह पर, उसके चलते उन्होंने एक एज ली थी और अपने प्रतिद्वंदियों पर, और वो अपना जो एक जिस तरह का संदेश उनको पहुंचाना होता था वो हजारों सैकड़ों व्हाट्सएप समूहों के जरिए या फेसबुक या ट्विटर के जरिए जो कुछ उनको कहना होता था वो कहते थे, और सामने जो उनके प्रतिपक्षी थे वो उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन ये हमने 2013 में ही देखा कि जब आम आदमी पार्टी आई चुनावी मैदान में, दिल्ली के चुनाव मैदान में जब उन्होंने टक्कर दी और वहां से जिस तरीके से उन्होंने एक कहना चाहिए जंप लिया सोशल मीडिया पर, जो अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली, उसने जैसे सोशल मीडिया पर अपना इम्पैक्ट दिखाया, उसके बाद से आप देखेंगे धीरे 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 करके सोशल मीडिया पर जो फोर्सेस एक्टिव हुई हैं, वो सारे लोग सोशल मीडिया पर आज की तारीख में तमाम देश में जितने भी गंभीर पढ़ने लिखने वाले लोग हों, वे पत्रकार हों, विचारक हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, कोई भी हों, किसी भी विधा से जुड़े हुए हों, फिल्मकार हों, वे सारे सोशल मीडिया पर, यानी ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर या अन्य माध्यमों पर वो लिखते पढ़ते रहते हैं, वो ज्यादा उन जगहों पर सक्रिय रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वे अपनी राय यहाँ पर कह करके वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो कम से कम अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। जो प्रिंट मीडिया है या जो मुख्य धारा का टेलीविजन मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां पर विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट है। ये